ये था इनका पुराना सेट लग रहा है पहले वाला से लप लप कर रहा है। ये रहा इसका पुराना बैकरेस्ट, काफी ओल्डेस्ट ये रहा सीट। हाय एवरीवन, कैसे हो सब? आई होप आप सब अच्छे हो। तो गाइस आज हम आपको दिखाएंगे मॉडिफिकेशन के हिसाब से सीट कस्टमाइज करके। तो फिलहाल अभी गाड़ी हमारे पीछे खड़ी है और हम देखते हैं इसमें सीट आपको मॉडिफाई करके। फिलहाल अभी इसमें लगाया हुआ था कस्टम सीट, अब इसको वापस से चेंज करके दिखा रहे हैं ओरिजिनल सीट लगवा के। तो गाइस ये गाड़ी हमारे पास क्लासिक 350 जो अभी मॉडिफिकेशन चेंज होनी आई है सीट। गाइस इसमें लगा हुआ कस्टम सीट, देख सकते हो काफ़ी स्टाइलिश सीट लगी हुई है, बट चलाने में थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है भैया को। तो वापस से ये पुराना इलेक्ट्रा का सीट लगवा रहा है जो ओरिजिनल आती है। उसका प्राइस और उसका मॉडल दोनों दिखाते हैं आपको। गाइस देख सकते हो ये इसका सीट आता है, इलेक्ट्रा का सीट है। इसको हम अभी चेंज करके आपको दिखाएंगे और इसका पीछे का साथ कैरियर भी आता है, तो वो कम्प्लीटली आपको इसमें इंस्टॉल करके दिखाएंगे। तो गाइस ये जेन्युइन सीट। एंड गाइस इसका मैं आपको प्राइस पहले रिव्यू करा देता हूँ। 2620 रुपये MRP आता है गाइस। देख सकते हो कम्प्लीटली सीट असेंबली आती है एंड एक पीस आती है, ये ओरिजिनल जेन्युइन सीट है। तो अभी मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ। गाइस ये इसका पुराना सीट, नया सीट जो मैंने आपको अभी इलेक्ट्रा का बताया, ये अभी कम्प्लीटली क्लासिक 350cc में लग जाएगा स्टॉल। तो आइए इंस्टॉलमेंट कराते हैं, फटाफट स्टार्ट हो जाता है प्रॉपर वे में। अभी साइड कम्प्लीटली सीट असेंबली आती है एंड एक पीस आता, काम स्टार्ट हो जाता है प्रॉपर वे में। अभी साइड का फटाफट हम लोग बोल्ट खोल के आपको दिखाएंगे। यहाँ से साइड दो बोल्ट खुल जाएगा और सीट को कर देंगे प्रॉपर वे में बाहर और लगाएंगे इसमें इलेक्ट्रा का सीट। गाड़ी है क्लासिक PS3। ये देखिए सीट प्रॉपर वे में निकल गया। अब हम इसमें बैठाएंगे इलेक्ट्रा का सीट। ये रहा इसका पुराना सीट, अब इसमें हम लगाएंगे जेन्युइन सीट इलेक्ट्रा का। एक पकड़ेगा भैया, देखिए गाइस ये अभी बोकारो से भैया आए हैं, अभी फटाफट सीट इसमें लगाएंगे। फटाफट हमने सीट को खोल दिया और साइड से हम निकाल रहे हैं इसका बैकरेस्ट जो प्रॉपर वे में बाहर हो जाएगा। और ये कस्टम सीट लगी हुई थी गाइस अभी, बट बैठने में थोड़ा अनकम्फर्टेबल रहता जैसे कि भैया बता रहे थे। और ये अभी फिलहाल इलेक्ट्रिक का सीट लगाएंगे जो बिल्कुल जेन्युइन है। तो आइए इसको फटाफट इंस्टॉल करते हैं, वीडियो को ना ज़्यादा लंबा करेंगे गाइस, फटाफट आपको बताएंगे इंस्टॉल करके और कस्टमर को बैठा के दिखाएंगे आपको कैसे कम्फर्टेबल रहते हैं। देखिए पुराना बैकरेस्ट निकल गया, ये रहा इसका पुराना बैकरेस्ट, काफ़ी ओल्डेस्ट लग रहा है, देखने से भी लग रहा है ओल्डेस्ट। ये पुराना पैकेज निकल गया, अभी ये रहा सीट, ये देखिए गाइस अभी ये सीट देख सकते हैं कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है। फिलहाल अभी हमारे कस्टमर बोकारो से आए धनबाद लगाने के लिए, उनसे आपको मिला देंगे और दोनों को बैठा के देखेंगे कंफर्टेबल कितना ज़्यादा होता है। ये देखिए सीट प्रॉपर वे में सेटअप होने जा रहा है। गाइस अगर चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गाइस मैं आपको बुलेट से रिलेटिव सारी जानकारी दूंगा इस वीडियो के एंड में। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो। तो फाइनली गाइस अभी बोकारो से भैया आया था, अभी भैया भी बताएंगे। पुरानी सीट उठाइएगा भैया थोड़ा। हाँ भैया, क्या नाम हो गया आपका? शिव कुमार। क्या बताया? पुराना सीट दिखाइएगा इनको, पुराना सीट एक बार देखिए गाइस। ये था इनका पुराना सीट, क्या प्रॉब्लम आ रहा था पुराना सीट में भैया? नीचे था, पीछे वगैरह दर्द वगैरह हो रहा था। अभी इसमें बैठ के दिखाइएगा तो हमारे प्यारे व्यूवर्स के लिए, बैठ जाइएगा। ये देखिए गाइस कितना ज़्यादा चौड़ा हो गया गाइस, देख सकते हो काफ़ी कंफर्टेबल है, हाइट भी है। अब बताइए बैठने में कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है, लग रहा है पहले वाला से लप लप कर रहा है, लप लप कर रहा है, ऊँचा लग रहा है। अच्छा अच्छा, तो गाइस देखिए बैठने के बाद बहुत बढ़िया बोल रहा है, कंफर्टेबल है। अगर गाइस आपकी क्लासिक इलेक्ट्रा है या थंडरबर्ड है, आप किसी में लगवा सकते हो, इंस्टॉल करा सकते हो। तो कैसा लगा ये वीडियो मेरे को कमेंट करके बताओ। पहली बार आओ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइस।